अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी शेख आसफ, यू आर वाचिंग एसे मैथ वाइब्स। हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे इन्फिनिट सीरीज़ को। इन्फिनिट सीरीज़ के ऊपर लेक्चर नंबर 5 है, जो कि डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़ दैट होल्ड इवेंचुअली को और आपके पास कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस। सो ये दो आर्टिकल डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने आज की इस क्लास में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Properties that hold eventually if discarding finitely many terms from the beginning of sequence produce a sequence with certain property, then original sequence is said to have that property eventually. Mean eventually property का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस डियर स्टूडेंट्स अक्कर करती हैं जिनके अंदर डेफिनेट पैटर्न्स जो है वो नहीं पाया जाता। सम हो वो डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है और आगे जाके वो इनडेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर लेती है, या उनका जो बिहेवियर है वो अरेक्टिक बिहेवियर होता है। मीन वो अनप्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होती है पहली कुछ टर्म्स में, बाद में जाके फिर वो प्रिडिक्टेबल बन जाती है। मीन वो डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती हैं, लाइक 9, -8, -17, 12, 1, 2, 3, 4। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सीक्वेंस को देखें, सो 9, -8, -17, 12 ये अरेक्टिक बिहेवियर है सीक्वेंस का। इससे आपको आइडिया नहीं होता है कि सीक्वेंस जो है वो किस डेफिनेट पैटर्न के ऊपर चल रही है, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये आपके पास इंक्रीजिंग बिहेवियर है सीक्वेंस का। सो ऐसी सीक्वेंसेस को डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इवेंचुअली से। शो दैट सीक्वेंस 10^(n)(n)(1) to ∞ इज इवेंचुअली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। हमने ये प्रूव करना है। सो a^(n)(10^n)/n). सो n की जगह n+1 रिप्लेस करेंगे। an+1 = 10^(n+1)/n+1). सो हम रेशो फार्मूला यूज़ करेंगे, मीन कॉमन डिफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रेशो से थोड़ा जल्दी रिजल्ट निकल आएगा। an+1 आपके पास है 10^(n+1)/n+1). और आपके पास डियर स्टूडेंट्स an जो है वो है 10^(n)/n)। रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास n^(10^n) आ जाएगा। सो 10^(n+1) को लिखा जा सकता है 10^(n).10 n+1 factorial, और ये n^(10^n). सो डियर स्टूडेंट्स, इससे 10^(n) कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास बचेगा 10^(n+1)/n^(1)। सो 10^(n+1) को लिखा जा सकता है n+1 × n^(n)/n^(1)। सो आप इस n factorial को कैंसिल कर दें तो फाइनल जो टर्म आपके पास बची 10^(n+1). सो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बच गई, जनरल टर्म बच गई, जो आपके पास क्या है 10^(n+1). लेकिन यहाँ पे आपने n जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 पुट करना है। जैसे ही आप n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 पुट करोगे तो ये आपके पास जो सीक्वेंस है ये अप्रोच करती जाएगी, मीन ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती जाएगी और ज़ीरो को अप्रोच करती जाएगी। फ्राम 1 an+1 over an < 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सो सीक्वेंस इज इवेंचुअली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस बन रही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन रही है। तो आप ग्राफ से भी डियर स्टूडेंट्स देखें तो पहले कुछ टर्म्स में ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है, उसके बाद डिक्रीजिंग बिहेवियर है, लेकिन फिर वो डिक्रीजिंग जो बिहेवियर है वो ग्राफ में भी शो हो रहा है कि वो कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग जो है वो इंक्रीजिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा। पहले कुछ टर्म्स में वो इंक्रीजिंग बिहेवियर है जिसको आप अरेक्टिक बिहेवियर बोलते हो, उसके बाद फिर वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस को शो कर रहा है। मीन ये आगे फर्दर डिक्रीज हो रहा है तो जाके कहाँ पे अप्रोच करेगा, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो यही डियर स्टूडेंट्स हमने बताना था कि वो इवेंचुअली स्ट्रिक्टली क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ग्राफ से भी देख रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपके पास सीक्वेंस है, और यही चीज़ हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। देन हमारे पास है कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस। शो दैट अ मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्ज आर डाइवर्ज। ये हमने बताना है कि जो मोनोटोन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर सकती है, डाइवर्ज कर सकती है, मीन इन्फिनिट हो सकती है या फिनिट हो सकती है, बट वो ऑसिलेट नहीं कर सकती। सो इस सिलसिले में डियर स्टूडेंट्स आपके पास
टू थ्योरम्स हैं, सो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस को देखेंगे. थ्योरम वन, इफ सीक्वेंस ए एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज. नंबर वन, देर इज अ कॉन्स्टेंट एम सच दैट ए एन लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन देन एल लेस देन आर इक्वल टू एम. मीन आपके पास अगर सीक्वेंस जो है डियर स्टूडेंट्स वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी तो आपके पास एक कांस्टेंट होगा m जिसको आप सुपर बाउंड बोलते हो, और ये जो सुपर बाउंड m होगा ये आपके पास जनरल टर्म जो है जो सीक्वेंस आपको गिवन होगी उससे बड़ा होगा, और जब ये जनरल टर्म किसी एक लिमिट को अप्रोच करेगी तो ये सुपर बाउंड m उस लिमिट से भी बड़ा होगा. अगर कोई सुपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, नो एम आर सुपर बाउंड एग्जिस्ट, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन फिर वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. अगर सुपर बाउंड एग्जिस्ट करता है मीन वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और अगर कोई सुपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता मीन वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. सिमिलरली थ्योरम सेकेंड है, इफ सीक्वेंस ए एन इज इवेंचुअली डिक्रीजिंग देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज. अगर आपके पास जो ए है ना सीक्वेंस जो है जो मोनोटोनिक सीक्वेंस आपको गिवन होगी ए एन, डियर स्टूडेंट्स अगर वो इवेंचुअली डिक्रीजिंग है फिर ऐसे होगा देर आर टू पॉसिबिलिटीज. ए, देर इज अ कॉन्स्टेंट एम सच दैट ए एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन देन लिमिट ग्रेटर दैन इक्वल टू एम. मीन अगर आपके पास जो ये मोनोटोन सीक्वेंस गिवन होगा अगर वो इवेंचुअली डिक्रीजिंग होगा, सो डियर स्टूडेंट्स जो सुपर बाउंड एम है वो आपके पास ये मोनोटोनिक सीक्वेंस से छोटा होगा और वो लिमिट से भी छोटा होगा. नो एम आर लोअर बाउंड एग्जिस्ट देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. मीन अगर आपके पास कोई लोअर सुपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो डाइवर्जेंट मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो माइनस इन्फिनिटी को क्या करती है अप्रोच करती है. सो शो दैट, अब इसी को हम डेयर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में समझेंगे. शो दैट 10 रेज पावर n ओवर n फैक्टोरियल n वेर n ओवर इन्फिनिटी कन्वर्जेस. कन्वर्जेस मीन वो फिनिट रिजल्ट देगी. फाइंड इट्स लिमिट्स, फिर हमने उसकी लिमिटों को फाइंड आउट करना है. सो यही क्वेश्चन है डेयर स्टूडेंट्स जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला था, तो हमने जो इसका रिजल्ट निकाला 10 ओवर n प्लस 1, हम इसको कंसिडर करते हैं. ए एन प्लस 1 इक्वल टू 10 ओवर n प्लस 1 ए एन. रिकर्शन फार्मूले में डेयर स्टूडेंट्स हमने ये सीखा था. मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है रिकर्शन फार्मूला के ऊपर लेक्चर, सो आप जाके ओवरव्यू कर सकते हैं. सो रिकर्शन फार्मूला डेयर स्टूडेंट्स जो है वो ये था कि हमने नेक्स्ट टर्म अगर लेनी है तो प्रिसीडिंग टर्म को उसमें ऐड करना है. सो ए एन प्लस 1 10 ओवर n प्लस 1 साथ हम क्या कर देंगे ए एन ऐड कर देंगे. सो ये रिकर्शन फार्मूला से डेयर स्टूडेंट्स लिखा है. सो ए एन किसके इक्वल हो गया फिर 10 रेज पावर n ओवर n फैक्टोरियल के. सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 इक्वल टू l. ये आपके पास l दोनों ही किसको अप्रोच करेंगे लिमिट को अप्रोच करेंगे. सो एल इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 पे ऊपर लिमिट अप्लाई की. सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10 ओवर एन प्लस 1 ए एन. सो अलग अलग लिमिट दोनों को कर दी. लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10 ओवर एन प्लस 1 डॉट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन. सो एक जीरो को अप्रोच कर रही है यहाँ पे भी डे स्टूडेंट्स, क्योंकि यही है तो एम किसको अप्रोच कर रहा है जीरो को. तो दूसरा ये जो है ये आपको लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन किसको अप्रोच करता है, ये आपके पास डे लिमिट को अप्रोच कर एल को. सो वो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाना है डे स्टूडेंट्स जीरो आ जाना है. सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10 ओवर एन प्लस 1 किसको अप्रोच कर रहा है जीरो को अप्रोच कर रहा है. तो ये डे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं. सो डे स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.